सभी देखने वाले भाइयों को मेरा सलाम। तो भाइयों आप इस चैनल को सब्सक्राइब बेशक ना करें, पर इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है आपने, ताकि किसी का तो भला हो सके ये वीडियो देखकर। और हाँ भाई, आपने एक लाइक ज़रूर करते जाना है वीडियो। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो भाई आज मैं आपको ऐसे 5 कोर्सेज के बारे में बताऊंगा जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ही यूज़फुल होंगे, जो आपके लिए बहुत ही कारामद साबित होने वाले हैं आपके फ्यूचर में। जब आप जॉब के लिए जाएंगे या कोई भी आपका करियर होगा उसमें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले नंबर पर आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोर्स, जो कि हर एक कंप्यूटर यूज़र को आना चाहिए। भाई जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे जब आपकी CV देखी जाती है, अगर आप उसमें ये मेंशन करेंगे अगर आपने किया होगा ये कोर्स, तो आपके जॉब लगने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स है ये, इसको आपने लाजमी करना है, क्योंकि आजकल ये कोरोना भी चल रहा है, कोरोना वायरस आया हुआ, तो घर में फ्री होते, तो आप इस कोर्स को सीखना शुरू कर दें, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें, ज़ाया ना करें भाई। तो भाई नंबर दो पर हमारे पास आता है टाइपिंग का कोर्स। आप अपनी टाइपिंग स्पीड को जितना अच्छा करेंगे, आपके कंप्यूटर स्किल्स उतनी अच्छी होंगी, स्किल में आपकी इजाफा होगा और आप एक अच्छे कंप्यूटर यूज़र बन सकते हैं। तो भाई अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी तो आप इससे पैसे भी कमा सकते हैं, आप ऑनलाइन ब्लॉगिंग कर सकते हैं, और इसके साथ साथ फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पर आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, जिससे तो बहुत से पाकिस्तानी पैसा कमा रहे हैं। और मुझे लगता है कि आपको भी आना चाहिए, ये काम करना चाहिए आपको भी। तो भाई लोग इसके बाद आ जाता है हमारे पास वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स, जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंड पे चल रहा है। ये एक ऐसा कोर्स है जिससे आप घर बैठे पैसा कमा सकते हैं, ये ऑनलाइन अर्निंग करने का सबसे ईजी मेथड है ये जो है बिना इन्वेस्ट किए। तो आप मैं आपको यही कहूँगा कि आप इसमें घुस जाएं, वेब डिज़ाइनिंग में घुस जाएं, इसको करें। HTML आपको आना चाहिए, CSS और JavaScript आनी चाहिए, बस ये 3 चीज़ें आप कर लें, आप एक प्रोफेशनल वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं। तो मैं आपको एक चैनल बताऊंगा जिससे आप उर्दू में वेब डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं, बहुत ही ईजी मेथड है। आप घर बैठे लोगों को वेबसाइट्स डिज़ाइन करके दे सकते हैं, और आप अपने लिए भी एक वेबसाइट बना सकते हैं, और उस पर एड्स जो होंगी उससे आप पैसे कमा सकते हैं। बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं, इस पर मैं लहदा वीडियो एक बना दूंगा, लेकिन ये कोर्सेज पे वीडियो है, तो आप वेब डिज़ाइनिंग के कोर्स को सीखना स्टार्ट करें। तो भाई लोग आप इनमें से कोई भी एक कोर्स पकड़ लें और उस पर मेहनत करना शुरू कर दें, तो आप इंशाल्लाह ताला ऑनलाइन अर्निंग करना शुरू कर देंगे। तो भाई लोग चौथे नंबर पर हमारे पास आ जाता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स। तो भाई आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं, मैं आपको चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बहुत ही इजी और आसान अंदाज में आपको समझाएंगे, लेकिन आपकी अपनी मेहनत होगी, जिस तरह का आप काम करेंगे उस तरह का आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख के ऑनलाइन बहुत ही सिंपल तरीके से पैसे कमा सकते हैं, और मैं आपको उसमें मेथड भी बताऊंगा। मैं एक वीडियो डालूंगा अपने चैनल पे जिसमें आपको बताऊंगा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग से पैसे किस तरह कमा सकते हैं। तो भाई लोग इसके साथ साथ आप फ़ोटो एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता है फ़ोटो एडिटिंग का काम आजकल बहुत ही ट्रेंड पे चल रहा है, बहुत से लोग ऑनलाइन इससे पैसे कमा रहे हैं, बहुत से लोग। तो आपको भी एक फ़ोटोशॉप आनी चाहिए, बस आप एक फ़ोटोशॉप का कोर्स कर लें और ऑनलाइन अपना फ़ोटो एडिटिंग का बिज़नेस शुरू कर दें। तो भाई लोग पांचवें और लास्ट कोर्स पे आते हैं, जिसका नाम है कंप्यूटर लैंग्वेजेस का कोर्स। अगर आपका माइंड पहले से कंप्यूटर में है, अगर आप पहले से ही एक टेक गीक हैं, तो आपको पता होगा कंप्यूटर लैंग्वेजेस किसे कहते हैं, और आपको इनमें से कुछ लैंग्वेजेस आनी चाहिए। अगर आप एक प्रोग्रामर बनना चाहते हैं या हैकर बनना चाहते हैं, तो आपको कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए, और इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीख के आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बन सकते हैं। आप अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं, दूसरों के लिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं, और इसे पैसे कमा सकते हैं। तो आपको जो जो लैंग्वेजेस इम्पोर्टेंट हैं, जो सीखनी चाहिए आप लोगों को, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उनमें आ जाती हैं सबसे पहले सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, रूबी, और उसके बाद पास्कल। इसके साथ साथ आपने MySQL,
PHP, स्विफ्ट और भी भाई मिल जाएंगी आपको बहुत सी लैंग्वेजेस मिल जाएंगी इंपोर्टेंट। आपने भला एक काम करना है, गूगल खोलना है, उसके ऊपर लिखना है 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग कंप्यूटर लैंग्वेजेस, बस जो आएंगी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऊपर वो गूगल आपको दे देगा। जो आ जाएंगी वो आपने सीखना शुरू कर देनी है वन बाय वन। पर मैं आपको कहूँगा सबसे पहले आपने पाइथन सीखनी है, जो कि आपको गेम डेवलपिंग में भी बहुत हेल्प देगी, जिससे आप गेम एक बना सकते हैं ओनली पाइथन। बस आपको पाइथन आनी चाहिए, आपको और किसी लैंग्वेजेस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पाइथन कर लेते हैं तो आप एक गेम, एक छोटी गेम बना सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप एक हैकर बनना चाहते हैं तो उसके लिए तो पाइथन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा टूल पाइथन में बनाए जाते हैं, इसलिए पाइथन आपको सीखनी ही चाहिए। बहुत ही इजी लैंग्वेज है यार, ये तो 8th ग्रेड के बच्चे भी सीख सकते हैं यार। बहुत ही इजी लैंग्वेज है, आपको ये ज़रूर सीखनी है। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपने एक लाइक ज़रूर करके जाना वीडियो को यार, मेहनत लगी होती है तो हमें मोटिवेशन मिल जाती है। और अगर वीडियो अच्छी ज़्यादा लगी है तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को, और साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर देना है ताकि हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप तक नहीं पहुंचेंगी और आपको पता नहीं चलेगा कि हमने वीडियो अपलोड की है कि नहीं। इसलिए आप पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, उसके साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें, बस आपका यही काम है। चलिए बहुत बोल लिया मैंने, चलता हूँ मैं, अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।